नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल जेडीजे एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, आज फिर हाजिर हूं मैं एक नई और बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के आप सभी के समक्ष। अमूमन देखा गया है कि घर में सभी के मंदिर होता है एक छोटा सा, और उस मंदिर के अंदर लगभग हर परिवार में सभी लोगों ने बहुत सारी मूर्तियों को, तस्वीरों को लगा रखा होता है। हमारी माता बहनें, भाई बंधु जब कभी भी कहीं भी दर्शन करने जाते हैं तो वहां से कोई ना कोई एक तस्वीर, कोई ना कोई एक मूर्ति जरूर ले आते हैं। जब आपके घर में पहले से ही इतने सारे भगवान मौजूद हैं तो एक नई तस्वीर, नई मूर्ति की आवश्यकता क्या है? पर मन में भाव होता है कि जिस जगह हम दर्शन करने आए हैं, इन माता जी की या प्रभु की ये तस्वीर या ये मूर्ति घर लगाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। परंतु होता क्या है कि शास्त्र कहते हैं कि घर के अंदर आप जितनी अधिक मूर्तियां लगाएंगे उतने ही घर में कलेश बढ़ जाती है, उतने ही घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। देखिए, प्रभु साक्षात एक शक्ति है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और जब हम किसी शक्ति की मूर्ति लाकर घर में रखते हैं तो घर के अंदर शक्ति बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में क्या होगा कि हर घर में एक लिमिट होती है हर चीज की, हर पावर की, हर शक्ति की। आप किस किस देवी देवता का सम्मान कर पाएंगे? जब हम पूजन करते हैं, किसी भी हवन करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो वहां हम देवताओं का आह्वान करके उन्हें बुलाते हैं। उसके बाद हम पूजा पूर्ण होने के बाद उनका विसर्जन करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने अपने स्थान को जाइए। क्यों विसर्जन करते हैं? इसलिए विसर्जन करते हैं क्योंकि अगर वह हमारे घर में रहेंगे तो क्या होगा, हम उनकी पूजा पाठ हमें करनी पड़ेगी, और अगर हम नहीं कर पाए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा तस्वीरें, मूर्तियां घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे आपस में ही देवताओं में टकराव होने लगता है, शक्तियां टकराती हैं, तो यह बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। अब हमें कौन कौन सी मूर्तियां घर में रखनी चाहिए, किस किस देवता की और कितनी रखनी चाहिए, यह हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, भगवान श्री गणेश जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ जी के पिता हैं, सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। तो घर के अंदर केवल भगवान श्री गणेश और मां दुर्गा ऐसी हैं जिनकी आप दो मूर्तियां लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अकेले गणेश जी मत रखिए, गणेश जी घर में दो ही होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की कमर में दरिद्रता का वास रहता है, इसलिए दो गणेश जी हमेशा घर में रखने चाहिए। और मां भगवती दुर्गा की भी आप दो मूर्तियां लगा सकते हैं घर के अंदर। मूर्ति को रखने से पहले यह विचार जरूर कर लें कि अगर मूर्ति 9 इंची से ऊपर है, यानी कि मूर्ति 9 इंची से बड़ी है, तो आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा 9 इंच तक की ही मूर्ति रखें। दूसरा, यदि आपने घर में शिवलिंग रख रखा है तो अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर का शिवलिंग घर में रखें, और केवल एक ही शिवलिंग रखें, इससे अधिक शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि आपने नवग्रह या सूर्य देवता का कोई यंत्र रख रखा है घर के अंदर तो वो भी केवल एक ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपने घर में लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो केवल एक लड्डू गोपाल जी को घर में रखें, बहुत ज्यादा ना रखें, और अगर ज्यादा है तो किसी को दे दें जो सेवा कर सकें। शालिग्राम, घर के अंदर यदि 2 शालिग्राम होंगे तो घर में झगड़े, कलेश, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर बनी रहेगी, इसलिए हमेशा एक ही शालिग्राम रखें। इसी प्रकार से भगवान नारायण की मां लक्ष्मी के साथ एक ही प्रतिमा रखी जा सकती है। और इस प्रकार से चयन करें मूर्तियों का। हमारे गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी में 5 देवताओं की पूजा बताई गई है करने के लिए, भगवान श्री गणेश जी की, मां दुर्गा की, भगवान शिव की, नारायण की और सूर्य देवता की, जिसमें कि नवग्रह देवता आ जाते हैं। सूर्य देवता की पूजा करते हैं तो वही साक्षात देव हैं, परमेश्वर हैं, स्वयं सूर्य नारायण है। तो ऐसे 5 देवताओं की पूजा बताई गई है। तो घर के अंदर
आप इन पांच देवताओं की मूर्ति लगा सकते हैं। क्रम मैंने आपको बता दिया कि कितनी कितनी रखनी है। और दूसरी बात यहां पर याद रखने योग्य है कि यदि आपकी कोई कुल देवी या कुल देवता हैं, उनकी कोई तस्वीर है या मूर्ति है, तो आप उसे लगा सकते हैं, वो भी एक ही लगाइए। यदि आपने किसी को अपना इष्ट मान रखा है, तो इन पंच देवताओं के अलावा आपने यदि किसी को अपना इष्ट देव माना है या देवी माना है, तो आप उनकी भी एक तस्वीर या एक मूर्ति घर में लगाएं। तो ये बहुत ही आवश्यक है, सोच समझ कर रखें। यदि आपके पास आपके घर के मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी मूर्तियां लगी, तो देख लीजिए कि आपके घर के अंदर आपकी परेशानी का कारण कहीं यही तो नहीं है जो आपने इतनी सारी मूर्तियां और तस्वीर लगा रखी हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोगों के पास भी पहुंचे, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद एक नया वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि घर के अंदर क्या पितरों की, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर लगानी चाहिए, और क्या घर के मंदिर के अंदर पूर्वजों की तस्वीर रखनी चाहिए भगवान के मंदिर में मूर्तियों के साथ, तस्वीरों के साथ। जानना चाहते हैं तो आप आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।